17 सितंबर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म तिथि तक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न आयामों पर काम किया जा रहा है, जैसे जन जागरूकता कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हमारे नगर परिषद ताजपुर में 2 अक्टूबर को LKVD कॉलेज ग्राउंड में मैराथन दौड़ करवाया जा रहा है। बहुत भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएँ करवाई जा रही हैं, बच्चों के बीच में रैली निकाली जा रही है। फिर है कि हम लोग स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहे हैं सफाई कर्मी और अन्य लोगों के लिए, ताकि उनको विभिन्न लाभों लाभ मिल सके। साथ ही साथ हम लोग का ये फोकस है कि जो भी गंदे स्पॉट है, डर्टी स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है, उसको हम लोग साफ कर सके। तो यही 3 आयामों पर मुख्यतः काम चल रहा है। इस सिटी में हम सभी ने ये दिखाना चाहा कि आप देख सकते हैं इसमें कितनी हरियाली है। अगर हम लोग अपने घर के बाहर सिर्फ एक पेड़ भी लगाएंगे तो उससे कितना ऑक्सीजन जनरेट होगा, और जो व्हीकल्स रोड के साइड में चलते हैं, अगर रोड के साइड में भी प्लांटेशन ऑफ ट्री होगा तो वहां पर भी हमारा क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर आएगा। ये फार्मर का ये ग्राउंड है, ये फार्मर का हाउस है। जैसे भी कोई भी जैसे फार्मर है ना, कल्टीवेट करता है ये ग्राउंड में, और ये फार्मिंग जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें से गुजरेगा तो फार्मर अपने कल्टीवेशन को बचाने के लिए, क्रॉप्स को बचाने के लिए उसको अलर्ट मिल जाएगा कि हमारे हमारे फील्ड में कोई गया है। जैसे देखिए ये गया, देखिए फार्मर अलर्ट हो जाएगा और आके ये अपना कल्टीवेशन बचा लेगा। YouTube चैनल अपना चलाते हैं तो ऐसे नौजवानों के लिए जोरदार तालियां, बिल्कुल श्री अमर कुमार जी सिंघानिया। पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, तभी हम अपने देश को बदल पाएंगे। हमें अपने वातावरण की देखभाल करनी है, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। चलो भारत को स्वच्छ बनाएं। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। हमें पौधे लगाना चाहिए जिससे हमारा वातावरण स्वस्थ रहे। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बने भारत अपना। अगर हमें हमारे अपने भारत देश को स्वच्छ और साफ रखना है तो गीले कचरे को ब्लू डस्टबिन और सूखे कचरे को हरे डस्टबिन में। गाड़ी वाला गाड़ी से कचरा निकाल। अरे आज तो स्वच्छ भारत अभियान डे है और मैंने एक सेल्फी भी नहीं डाली। आइडिया क्या दी, थोड़ी देर के लिए झाड़ू मिलेगी क्या? किशोर कुमार मालिक जी, दोस्तों एक जोरदार ताली प्लीज। लक्ष्मण जी जो कि जूरी पैनल में ये अभी बैठे हुए थे, जो कि कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद ताजपुर में है।
रही हूँ। आज बड़े जल्दी में हो। अरे तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आनी है ना। रिपोर्ट से क्या होता है, बेटा हो या बेटी बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो संभाले को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ, सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची को जी जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़के में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की, लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट भेजी है। ओह रिपोर्ट आ गई, बताना बताना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी नहीं चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। हंसती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना पढ़ाना शादी करना सब बहुत मुश्किल है। मैं संभालूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी, पर प्लीज प्लीज मत ऐसा मत करो, प्लीज मत ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं।
बाहर आकर तो किसके साथ खेलेगी? चिड़िया, यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर है। बाहर बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ। बेटे के मुंह में
अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, हाँ? और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, दीदी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए, जबकि उसकी पूंजी होती है बेटियाँ। माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियाँ। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाश होती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर? आखिर कसूर क्या है हो? क्यों नहीं चाहिए बेटिया? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित, रोहित, इसकी शुरुआत हम करेंगे।